पहाड़ों की रानी शिमला ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। शिमला की इस प्राकृतिक सुंदरता को देख पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बर्फबारी के एक सप्ताह बाद भी पर्यटक शिमला की ओर रुख कर रहे हैं और पर्यटक शिमला जिले के नारकंडा में रहना पसंद कर रहे हैं, जो कि शिमला से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। क्षेत्र में बर्फ की सफेद चादर देखकर यहां के पर्यटक रोमांचित होते हैं। यहां पहाड़ियों में रहने वाले पर्यटक दूसरे लोगों को यहां आने और रहने की सलाह दे रहे हैं। फिलहाल नारकंडा में काफी स्नो तो है, अच्छा लग रहा है कि स्नो वो अभी दिखने को मिला है और काफी एक्टिविटीज चल रही है यहां पे। सो मैं और मेरी वाइफ थुली हम लोग काफी इन्जॉय कर रहे हैं, सो इट इज़ रियली ग्रेट। तो फिलहाल अभी हम लोग वंडरलैंड में रुके हुए हैं, होटल भी काफ़ी अच्छा है, जगह बढ़िया, आप लोग भी आइए घूमने, इट इज़ ग्रेट टू प्लेस। हिमाचल प्रदेश में सालाना लगभग 17 लाख पर्यटक आते हैं। वर्ष 2020 के दौरान पर्यटकों के आगमन में भारी गिरावट आई, लेकिन अब ट्रैवल एंड टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़े लोग खुश हैं और यहाँ अच्छा कारोबार भी हो रहा है। सैंडी जो बर्फ पड़ रही है हमारे यहाँ, इससे हमारा नारकंडा एरिया और हमारा जो ट्रैवल सर्किट है, कुछ टूरिस्ट आगे भी गए और यहाँ भी हमारे वीकेंड में जो है काफ़ी 100% ऑक्यूपेंसी रही है। तो बाकी लोकल एरिया में भी जितने टैक्सीस है और जो लोकल डावेस है, वो सबके अच्छे रेवेन्यू अभी आ रहे। आगे उम्मीद है कि अगर बर्फ और पड़ेगी तो और रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अभी स्नोफॉल हुआ ना जी, तो एक मेन कारण यही है क्योंकि कुफरी और शिमला की तरफ बर्फ कम पड़ी है, तो उनका फ्लो इस तरफ को बढ़ रही है, तो इस वजह से गेस्ट का जो है हमारा जो ऑक्यूपेंसी जो है वो 100% इस वजह से हो रहा है। स्नो मतलब रिलेटेड में जो है हमारा स्कीइंग वेरे है मेन जो है अट्रैक्शन, यहाँ जो नारकंडा एरिया में जो है शुरू से ही एक स्कीइंग का एक मेन पॉइंट रहा है, तो इसलिए टूरिस्ट जो है स्कीइंग का, तो हम HPTC भी यही सोच रहे हैं कि आने वाले समय में स्कीइंग का भी जो है कोर्स कराने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तो पक्का ही करवाएंगे सर। तो इस बार और बर्फ की उम्मीद है? हाँ, अगर बर्फ, अगर वैसे उम्मीद हम रख रहे हैं बर्फ पड़ेगी, पर ये है कि ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.